उचित न्याय चाहिए, जो इसमें अधिकारी डॉक्टर और नर्स जो है इन्वॉल्व हैं उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए। सक्रिय बीच में जो लाश को जो है उन्होंने जो है पैक करके हटा दिया। जब घर में जा करके बॉडी जब एम्बुलेंस से उतारे, जब बॉडी माँ के छुए हमने चेक किए तो इयररिंग्स हानि उसमें। कार में हूँ मनीष, आप लोगों के बीच आने की स्थिति में नहीं था क्योंकि पिछले 7 दिनों से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद तेज दर्द और फीवर ने ऊर्जा क्षमता खत्म सा कर दिया है। बहरहाल कुछ जरूरी सा है इसलिए उपस्थित होना पड़ा। ओमिक्रॉन को लेकर या यूं कहें कोरोना की तीसरी लहर में वो बहुत सारी गलतियां जो हमने पिछले टाइम की हैं उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, भय बरन शंकर कली भिन्न सेतु सब लोग, कर ही पाप पाव ही दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। फिलहाल कोरोना और भय के बीच हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं थोड़ा खराब लगने वाला है, पर जान लेने के बाद कईयों के जीवन की गाढ़ी कमाई यकीन मानिए ज़रूर बच जाएगी। आपको पिछले साल कोरोना से मौत और अस्पतालों का मुर्दा घर में तब्दील हो जाने वाला समय याद ही होगा। पूरा शहर गांव कस्बा शमशान सा बन गया था, किंतु इंसानियत और मानवता नहीं मरी थी। लोगों के मन में कोरोना पीड़ितों और मृतकों के प्रति संवेदनाएं भी देखने को मिल रही थी। कुछ तो अपनी जान की परवाह किए बगैर मानव सेवा में दिन रात लगे थे। वैसे सच यह भी है कि कोरोना से कम किंतु कोरोना से रक्षा के नाम पर जो तांडव हुआ उससे न जाने कितनों ने दम तोड़ दिया। क्वारंटीन सेंटरों में कोरोना के दहशत से कितनों ने फांसी तक लगा लिया। कहीं भगवान का दर्जा देकर डॉक्टरों के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा हुई तो कहीं कहीं संवेदनाओं को तार तार करते हुए लाशों से आभूषण ही क्या मानव अंगों को भी निकालने की घटनाएं सामने आई। जरा सोचिए इस कोविड के समय यदि आपके घरों में किसी परिजन की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। कम से कम उसे बेहतर इलाज मिल सके इसलिए आप सीधे अस्पताल लेकर जाएंगे, न कि बीमार व्यक्ति के शरीर से कीमती आभूषण निकालने का काम करेंगे। पर इस बार आप सतर्क रहें, यदि आप कोरोना की चपेट में आते हैं, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है तो अस्पतालों में एडमिट होने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अपने आभूषण एडमिट होने से पहले अपने परिजनों को निकाल कर सौंप दें, क्योंकि कोरोना से मृत्यु के पश्चात शव को गाइडलाइन के अनुसार यदि उनके परिजनों को दिया जा रहा है तो पूरी बॉडी बैग में पैक कर कर ही दिया जाता है, जहां आप अपने करीबी रिश्तेदारों के शव को छू भी नहीं सकते। ऐसे में आपको यह भी नहीं पता चलता कि आपके मृत्यु से पहले आपके शरीर में कितने प्रकार के आभूषण हैं, और हम डर और भय के कारण शवों को हाथ तक नहीं लगाते। हमें पता ही नहीं चलता कि शवों के आभूषण किसी ने पहले ही गायब कर दिए हैं। यकीन नहीं होता पर यह सच है, और ऐसे शिकायतों में कोई कार्रवाई हुई हो ऐसा कहीं अब तक दिखा नहीं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये घटना पिछले कोविड काल की है। ऐसी शिकायतें जहां कोरोना से मृत्यु के बाद शवों से आभूषण गायब थे, परिजनों ने खूब शिकायतें की, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। जो सक्षम थे वो बर्दाश्त कर गए, पर जो वाकई ज़रूरतमंद हैं वो आज भी तड़प कर रह जाते हैं, क्योंकि मुर्दा घरों में बंद लिफाफों में अपनों को तलाश करना आसान नहीं था, तो उन लाशों में जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बने आभूषण मिलना बहुत दूर की बात। मुर्दा घरों में लाशों को चीरने वाले स्टाफ, जिनमें कथित चिकित्सक भी शामिल हुआ करते हैं, उन्होंने जमकर इसका फ़ायदा उठाया है। इस बार सतर्क रहें, इंसानियत और मानवता जैसी बातों को कम से कम किताबों में रहने दें, ताकि लोगों का भ्रम बना रहे और लोग आश्चर्यचकित होकर पूछें क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए फिलहाल अंबिकापुर के कुछ पीड़ितों का बयान, जिनके परिजनों के शवों से आभूषण गायब कर दिए गए थे। क्या माने डॉक्टर देखने आया, नर्स देखने आया, एम्बुलेंस में ड्राइवर जो था, ड्राइवर प्राइवेट क्या बोलते हैं, प्राइवेट ड्राइवर गाड़ी में हम लेके आया सरकारी हॉस्पिटल में, वो उसका खलासी जो है ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगाने के बाद नर्स देखने आई न डॉक्टर देखने आया, बोलने पर बोलती है जाओ हटो हटो दूर हटो, हमको कोविड है तो कौन हमारा परिवार कौन पालेगा। 3 बजे सुबह से लेकर के जो है 3 बजे शाम तक 6 बजे तक, यानी 25 तारीख को ही जो है कोई इलाज नहीं हुआ। अगर इलाज होता ऑक्सीजन के अलावा तो हमारी औरत हो सकती बच जाए,
इन्होंने इलाज, आपका कहना है कि सही उपचार इसको नहीं मिला, इलाज नहीं हुआ, केवल ऑक्सीजन सपोर्ट में इन्होंने रख दिया, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया। इसके बाद फिर डॉक्टर आए 11 बजे के बाद, तो बोलते नहीं इसका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा तो सीटी स्कैन कराएंगे हम। न ऑक्सीजन लेवल ठीक हुआ, न उसका सीटी स्कैन हुआ, न दवाई चला, दवाई जो लिखा हुआ दवाई नक्श दिया भी नहीं कि दवाई ये चलेगा। उनकी मृत्यु के बाद मतलब उनके शरीर के जो सामान ईयरिंग्स वगैरह थे वो गायब थे? हाँ, गायब हो गए। क्यों? मैंने मृत्यु के बाद, जैसे मृत्यु उसका आया तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर देखो इसका चल दिया, मैं खुद बताया उस डॉक्टर को, डॉक्टर के जो उसको जो है ठोक ठाक देख रहा है। उसके बाद मेरे को क्या हुआ, पेशाब लग गए, मैं पेशाब नहीं, वहाँ पर जो पेशाब खाना वगैरह जो है दूर में है, करीब मेरे को 10 मिनट लगा हुआ में, उस बीच में जो लाश को जो है जो है पैक करके हटा दिया। मैंने पूछा भी लाश कहाँ रखे, बोला रख दिया वहाँ पर जाके, बताया भी लाश क्यों रखा हुआ, देखने में दिया लास्ट में इसके शरीर में क्या है क्या नहीं, एक समूह हमको लास्ट में देखने दिया। वह 5 बजे माँ एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरे पापा वॉशरूम चल गए थे, माँ डेथ हुई इसके बाद 5 मिनट बाद आए तो देखे एक बॉडी माँ का वहाँ पर नहीं, आईसीयू बेड में, उसको मॉर्गेज में जाके रख दिए माँ के बॉडी। मर्चुरी में बॉडी को आपकी मिनी परमिशन के लिए जाकर रख दिया? मर्चुरी में जाके रख दिए, वो पैकेट में डाल के रख दिए। जब घर में जा करके बॉडी जब एम्बुलेंस से उतारे, जब बॉडी माँ के छुए हमने चेक किए तो इयररिंग्स था नहीं उसमें। इयररिंग सोने का था? सोने का था इयररिंग, दोनों कान पे था, वो था नहीं। तो वही कंप्लेंट करने में तो आया था डिटेल्स लेने, परसों मैं आया था यहाँ पर, एक एप्लीकेशन दिया था 1 जुलाई को यहाँ पर डिटेल्स कि मेरी माँ को क्या ट्रीटमेंट हुआ।